ये जो उपादान होते हैं या ये जो रचना होती है चेतन रचनाएं, इसके अंदर होते हैं अलग अलग रचनाएं, स्वतंत्र होती है। संख्या में अवयव किसी में नहीं आ सकते हैं, अलग अलग ढंग से आते हैं और एक दूसरे से, तो ऐसा तो हम नहीं चाहते वहाँ, लेकिन हाथ फैलाए रखना पड़ता है, आता है कभी नहीं भी आता है। जिसको पता नहीं होता है तो डाला फिर निकाल लेता है, फिर पानी गिरता है, तो वहाँ तो अव्यवस्थित होता है। उसके अनुसार यानी जैसे बुद्धिमान ने कर दिया वहाँ नियत, उसी क्रम से चलेंगे तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपनी वहाँ नहीं रहती स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि वो देख के नहीं कर रहा है हमारे अनुसार प्रतिक्रिया, जल हमको देख करके नहीं गिर रहा है। हाँ, जो भी होगा, वैसे भी कभी कभी होता है वो जल्दी कर देते हैं या देर कर, उसका भी समय कुछ होता है, कुछ क्षण होता है, उसके बाद पानी गिरता है, उससे पहले निकाल लिए तो नहीं गिरता है फिर, या गिर करके फिर बंद हो जाता है, वो उठपटांग लगता है, वो एक दो बार देखने के बाद होता है फिर वो। नहीं, वो ज़्यादा भी गिरा देता है, उतने हाँ वो उतने ही गिराएगा, उसके माप रहते हैं भीतर, पहले कम चाहिए तो भी उतने हटा लेने पर भी गिरा देता है, तो वो यानी बुद्धिपूर्वक वो व्यवस्थित है, उसी से पता लगता है कि इसके पीछे है कोई बुद्धिमान, ये स्वतंत्र नहीं चल रहा है। कहने को तो कह देते हैं अपने आप चलता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं चलता है, ऐसी सीढ़ी आदि भी है, वो भी ले जाती है, लेकिन वो हमको नहीं ले जाती, वो अपनी जा रही होती है, वो हमारे लिए थोड़े जा रही होती है, कभी कभी तो उसमें पैर हाथ चले जाते हैं किसी के, तो उसको भी ले चली जाती है अंदर, रुकती नहीं है वो, तो यानी किसी के भूल से चला जाए उसमें पैर, तो अंदर ही चला जाएगा ना वो, तो जो भी उसके हाथ पे चले जाएंगे किसी के मान लो, तो वो रुकेगी थोड़े, काट देगा एकदम। दिल्ली में एक बच्ची का चला गया था किसी कारण से, कैसे था और वो पीस दिया एकदम से काट कर, तो उसको थोड़े कुछ हुआगी, कौन चढ़ गया कौन नहीं चढ़ा, क्या करूँ नहीं करूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही जो भी यहाँ रचनाएं हो रही है, एक तो बाहर के अवयव यानी जैसे हमारे भोजन हैं हमसे अधिक, जितना हमको चाहिए उससे अतिरिक्त होता है, तो बंद करने के लिए हमको सोचना होता है कि अब हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि आगे भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे वो हमारा बंद हो जाता है भोजन। कभी भोजन बंद हो जाएगा कि नहीं चाहते हुए भी? अभी थोड़े दिनों तक तो आपका चलेगा, एक आएगी रेखा, उसके बाद फिर भोजन कम होने लग जाएगा अपने आप। जिस भोजन से शरीर बढ़ रहा था ना, उसी भोजन से शरीर नहीं बढ़ेगा, यानी वो कम करना पड़ेगा, यानी जिस अवयव से बढ़ रहा था अवयवी, उसी अवयव से अवयवी नहीं बढ़ेगा एक दिन। माता जी को पूछो, जैसे पहले कितनी रोटी तक खा लेती थी, अब कितनी खाती है? है? अब रोटी कम गई हो, कम हो गई ना, उसी रोटी से तो ये शरीर बढ़ा। पहले छोटे में तो एक रोटी आधी रोटी खाई, फिर वो रोटी बढ़ती गई, चार रोटी पांच रोटी तक चली गई, छः तक, फिर उसके बाद एक हुआ ना कुछ दिनों तक छः चली, फिर उसके बाद पांच हो गई,
फिर चार हो गई, दो हो गई, अब एक भी भारी लग रही है। तो उसी रोटी से शरीर बढ़ा, लेकिन अब उसी रोटी को बढ़ा लें तो अब क्या होगा? तो अब ये जिससे बढ़ता है उसी से बढ़ना क्यों बंद हो जाता है? फिर जड़ पदार्थ केवल होता निमित्त, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे अब आलू आदि के हैं, देखा खेत में, अभी देखो वो अभी आलू किससे बढ़ रहा है? पानी से, खाद से, हवा है, धूप है, जो भी है, मिट्टी है। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें रहेगी वहाँ पर, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन वो बढ़ना बंद हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा वो। तो अब जो उसके बढ़ाने वाले जो अभी अब थे, वो तो ज्यों के त्यों हैं वहीं पर, लेकिन फिर भी वो लेना बंद कर देता है। तो ये उन्हीं के कारण से नहीं हो सकता है। उसका स्वभाव तो बढ़ने का ही था, शरीर का या जो भी आलू का, तो वो कैसे बढ़ना बंद कर देता जब तक इसके थे भोजन? हम अंततः हम थोड़े चाहते हैं भोजन बंद हो जाए हमारा। तो इससे होता है कि अवयवी रहते हुए, अवयव रहते हुए भी अवयवी में उसका जो सन्निकर्ष बंद हो जाता है, वो केवल अवयवी और अवयव के कारण से नहीं संभव है, नहीं हो सकता ऐसा केवल दोनों दो के ही कारण से। उसको एक ढंग से आगे बढ़ते जाना चाहिए था। जैसे नल से पानी गिरता है, वो गिरता ही रह जाता है, भले ही बाल्टी बढ़ जाए, वो रुकता नहीं है। तो ऐसे ही इसमें जाते जाना चाहिए था, भोजन हवा पानी जो भी था इसमें चलते जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक सीमा भी बनाई जाती है, इसके बाद अब इसमें ग्रहण होना बंद रहेगा, इसके आगे और इसमें नया अवयव नहीं जाना है, ये वहाँ निर्धारित होता है। तो ऐसा निर्धारण अब उसका कर्ता कर सकता है, रचयिता। उसके अवयव ऐसे नहीं कर सकते, वो अपने आप पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। उसकी रचयिता के कारण से उसमें ऐसी रचना व्यूह रचना हो जाती है कि आगे अब नहीं जाएगा उसका। तो जितने भी शरीर होते हैं सबकी ये स्थितियाँ होती है, जड़ वाले में ऐसा नहीं होता है। उसमें तो अपना जो भी है पानी निकल रहा है, जब तक टंकी खाली नहीं हो जाएगी बंद नहीं होगा निकलना, चलता रहेगा। गड्ढे में है जगह है तो पानी भरता रहेगा, भरता रहेगा, पहले बंद नहीं होगा कि अब नहीं जाना चाहिए उसमें। लेकिन इनमें होता है ऐसा, एक समय विशेष पर आके वही क्रिया जो एकदम निरंतर चल रही थी एक रस, वो अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इससे ये होता है कि इसके पीछे कोई रचयिता है। तो ऐसे ही जितनी भी यहाँ की रचनाएं हैं, लगभग जड़ों में भी ऐसा ही है, चेतनों में तो है ही, जड़ों में भी ऐसा ही है। जिससे सूर्य बना वो बनते बनते एक दिन पूरा हो गया है, पृथ्वी जिससे बनी उसके उपादान तो यही हैं, लेकिन बनते बनते फिर उसने बंद कर दिया। इतने कई सारे सूरज बने ना, एक ही सूरज बनता रहता अपना, वो दूसरे के लिए क्यों छोड़ता? एक सूरज के जैसे हैं अवयव, वैसे तो दूसरे के भी होंगे। जैसे यहाँ पेड़ है, एक क्या है जामुन का एक पेड़ है, तो एक पेड़ में जैसे अवयव हैं दूसरे में वैसे ही है यहाँ। तो अब दो क्यों हो गए? वो एक ही अपना सारा लेता रहता, बढ़ता जाता बढ़ता जाता, दूसरे के लिए क्यों छोड़ा उसने?
सीधे सी बात है, उसका विभाजन किया हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाना। उसकी मात्रा का भी निर्धारण है, उसके समय का भी निर्धारण है, उसके क्रम का भी निर्धारण है, और फिर उसमें जो प्रयोजन है उसके, वो भी निर्धारित है, सीमित है ये सब। तो ये सारे जो सामान्य विशेष स्थितियाँ इनमें होती है, परस्पर विरुद्ध भी है, अनुरुद्ध भी है, विरुद्ध भी है, एक जैसी भी है, उसके आपस में विरोधी भी स्थितियाँ मिलती है। तो ये सारी विविधताएँ केवल जड़ों से संभव नहीं था, नहीं हो सकता है संभव, यहाँ नहीं होते हैं। तो ये संभावनाएं जो होती है केवल चेतन के कारण से होती है। तो इस तरह से छोटे बड़े जितने भी पदार्थ संसार में मिलते हैं उनमें यही प्रक्रिया सभी में है। इसका मतलब है इन सभी के पीछे एक चेतन विद्यमान है, उस चेतन के कारण से ही ये सारी विविध प्रक्रियाएं जो है अपने अपने स्थिति में आ रही है, बनना शुरू होती है, फिर कुछ दिन तक बनती है, ठहरती है, फिर उसके बाद बिगड़ने लगती है, अंत में जाकर के सब बिगड़ जाती है। तो पूरे ब्रह्मांड के विषय में ही ऐसा है, समस्त संसार में जितने भी पिंड लोक लोकांतर हैं सभी के साथ यही नियम लागू हो रहा है। जितने अब तारे जैसे दिख रहे हैं सब एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर उपादान भी एक जैसे ही होंगे। तो अब उन दोनों का कहीं एक जगह पहले मेल रहा होगा, एक जाति वाले अवयव या परमाणु जो भी कहेंगे वो अभी दो जगह हैं, तो इससे पहले वो एक जगह थे, तो एक जगह से वो फिर अलग किए गए, विभाजित किए गए, और विभाग करने के बाद फिर जोड़ दिए गए, साथ हो गए। पहले साथ थे, फिर अलग हुए, फिर अलग हो गए, फिर साथ साथ हो गए। तो ऐसे क्रम व्यतिक्रम इनमें सब में दिखता है, संपूर्ण संसार के अंदर ये रचनाओं में इस तरह के नियम मिलते हैं। इससे पता लगता है कि इन सबका जो है रचयिता इनके पीछे वर्तमान है, और ऐसी वही शक्ति जो है ईश्वर कहलाती है, ईश्वर के कारण से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। तो स्थूल से स्थूल में भी, दूर से दूर के जो पदार्थ हैं सूर्य चंद्र आदि में भी उसकी वर्तमानता है, और हमारे शरीर के अंदर या जो भी किसी भी सूक्ष्म पदार्थों के अंदर भी अलग अलग रचनाएं हैं। शरीर के अंदर पता नहीं कितनी सारी जगह, इसमें बहुत सारी जगह है, तभी तो नई चीज़ें ले करके फिर उसको तोड़ना जोड़ना वहाँ होता है। जगह इसमें नहीं होती तो कैसे बनता ये सब? पहले तो कारखानों में जाते हैं ये, वहाँ से तैयार होकर के फिर बाकी जगह जाते हैं ये, तो अंदर जगह है अलग से, तभी तो खाली भी है, भरती भी है, स्थान भी है, भरे भी हुए हैं खाली। तो ये सारी की सारी अलग अलग प्रक्रियाएं होती है इसमें। तो इसका मतलब है उस भेद के पास भी उसको खड़ा होना चाहिए, सूक्ष्म संयोगों के पास में भी रहेगा, स्थूल संयोगों के पास में भी रहेगा वो, क्योंकि अभी अब इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाते हैं, तो उस अवस्था में भी उसको करने वाला वहाँ उतना सूक्ष्म होना चाहिए, अन्यथा उसको व्यवस्थित नहीं कर सकता है दूर से वर्तमान हो करके। तो हमारे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे रचना है, मन आदि की रचना जो है आत्मा के साथ सनिकर्ष होता है वो कितना सूक्ष्म होगा, मन के साथ जोड़ना, सूक्ष्म शरीर को स्थूल से जोड़ना या सूक्ष्म से आत्मा को जोड़ना, वो कितनी सूक्ष्मता में है। तो उस संयोग के पास वो वर्तमान रहेगा,
उसका संयोग करने वाला, तभी वो संयोग संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इस तरह से सूक्ष्मता में भी इसका कर्ता विद्यमान है और स्थूल से स्थूल में भी दूर से दूर इतना बना रखा है, बीच में अंतराल है तो उतना लंबा चौड़ा भी वो है। तो ऐसे हम इस संसार को देख करके और इसकी इन्हीं रचनाओं को देख करके, जो कि स्वयं संभव नहीं होती, इससे फिर अनुमान होता है कि इसके पीछे इसका रचयिता है, और दोनों के साथ साथ रहने से ही ऐसा हो सका है। तो आज भी ऐसा हो रहा है और आगे भी होना है, इससे पता लगता है कि ये दोनों आगे भी रहेंगे। तो अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, इसका मतलब वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, यानी दोनों ही एक रस हैं। इससे होता है कि ईश्वर अभी भी हैं और यहीं भी हैं, कहीं भी हैं, हमारे साथ हैं, सब जगह से हैं। इस प्रकार से ईश्वर का अनुमान करना चाहिए, उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए।